तो आज मैं एक ऐसे चैनल के बारे में बात करने वाली हूँ जो बहुत अच्छा लगता है मुझे, और वो भी ऐसे ही हॉन्टेड प्लेसेस पे जाके एक्सप्लोर करते हैं कि वो जगह हॉन्टेड है कि नहीं है। तो मैं हमेशा अपनी वीडियोस में ये बताती हूँ कि ये जितने मिथ होते हैं, जितना भी ये सब कुछ होता है, ये सब गलत होता है। तो इस चैनल का नाम है एक्सप्लोरिंग इंडिया। ये बहुत फेमस चैनल है, सारे लोग इन्हें जानते हैं, और ये वही काम करते हैं जो मुझे पसंद है। ये जगहों पे जाते हैं और बताते हैं कि जगह कोई हॉन्टेड नहीं होती है। और ये दो लोग रन करते हैं, और एक राजेश है और एक आशीष है, और ये दोनों ही बहुत ही बढ़िया लौंडे हैं। वो लास्ट हफ्ता निकला है, उसमें एक ये DDA फ्लैट्स करके जगह पे है कोई फ्लैट्स, तो वहाँ जाके ये वीडियो बनाते हैं और बोलते हैं कि वहाँ पे बच्चों की रोने की आवाज़ आती है कुछ ऐसे। तो वहाँ पे भी लोगों ने बहुत लिखा हुआ है कि इतने टाइम पे टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं वहाँ पे कमेंट्स में कि हमने किसी की रोशनी देखी है, ये देखा है, वो देखा है, लेकिन उन्होंने पर्सनली कोई एक्सपीरियंस नहीं करा जब वो वहाँ पे गए थे। तो उनकी जितनी भी वीडियोज़ हैं, आप अगर कोई भी खोल के देख लो, उनको अभी तक कोई भूत नहीं मिला है। और वो ओपन चैलेंज देते हैं अपने व्यूअर्स को या उनसे मांगते हैं कि कोई ऐसी लोकेशन बताओ जो तुम्हें लगता है हॉन्टेड है और हम वहां जा सकते हैं, तो जरूर जाएंगे ये एक्सप्लोर करने के लिए कि वो हॉन्टेड है कि नहीं, या उन्हें कुछ ऐसा फील हुआ है कि नहीं। और वो जाते भी हैं, वो बहुत रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं। तो आपको लगता है अगर ऐसा कुछ है तो आप जाके देख सकते हो। और मैंने एक पहले भी वीडियो डाली थी इस पे कि एक एक्सरसाइज मशीन है किसी पार्क में यूपी में, वो बहुत ही फेमस हुई थी। उन पे भी एक्सप्लोरिंग इंडिया ने प्रॉपरली समझाया हुआ है कि ये सब मिथ है, ये बस ऐसी वीडियो वायरल हो गई है। तो अगर आप वहां जाके देखोगे तो उसमें भी उन्होंने एक रीजन बताया हुआ है कि इस वजह से वो झूला हिल रहा था, कंटिन्यूसली हिल रहा था। तो अगर आप वो जाके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो झूठ है और क्या सच है। तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और जो अभी उनकी रिसेंटली अभी 20 घंटे ही पहले एक वीडियो आया है जो बहुत लोगों ने देख भी लिया है, बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी हो गए हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने वीडियो बनाया एक चार्लोट्स वेब रिचुअल करके, कि एक लड़की होती है, उसकी मम्मी की डेथ हो जाती है और वो चुड़ैल बन जाती है, और फिर लड़की में भी वही सारे गुण आ जाते हैं, ऐसा ऐसा। तो वो एक वो रिचुअल के हिसाब से अगर आपको उन्हें बुलाना है तो वो एक रिचुअल निभाना पड़ता है। तो उन्होंने ये वीडियो के बारे में एक्सप्लेन किया है। मेरा पहले तो ये क्वेश्चन है कि ऐसा कौन इतना खाली इंसान है अपनी लाइफ में जिसने ये बैठ के रिचुअल बनाया है कि आपको ये ऐसा करना होता है। अगर आप देखोगे तो उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने सारी रिचुअल्स निभाई हैं और फिर उसके बाद तोड़ भी दी हैं, फिर भी वो नहीं आई, वो डॉल नहीं लेने आई, वो कुछ नहीं करने आई। इसे तो हो नहीं रहा मेरे ख्याल से ना, एक बार कैंडल जला के कर लेते हैं और जलाते अपने आप को। हाँ। और पसीने निकालते अपनी बॉडी से, क्योंकि ये बोला जाता है कि अगर तुमने कैंडल जलाई ना तो वो एकदम नेगेटिव रिस्पॉन्स देगी। हाँ। तुम्हें बिल्कुल गुस्सा हो जाएगी, कैंडल वगैरह उसको पसंद नहीं है। जलेगी जलेगी, उंगली भी जलेगी, कैंडल भी जलेगी। अरे यार गर्मी देखो भाई तुम। तो इससे साफ पता लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। हमारा जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, प्लीज उसको जाके देखो, फॉलो करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, और यूट्यूब पे भी करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ताकि हमें पता लगे कि आप लोग हमें कितना प्यार दे रहे हैं और हमें पता लगे कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं। तो प्लीज़ 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 फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब अस ऑन यूट्यूब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।